Good morning, students. Today we will study exercise 6.3 question 3. कल हमने कुछ क्राइटेरिया पढ़े थे और उन क्राइटेरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स के ऊपर पूरी एक्सरसाइज है. सबसे पहले तो आप क्राइटेरिया पर लेबर करें. नाउ क्वेश्चन 3. डायगोनल्स ए सी एंड बी डी. अब ट्रेपेजियम ए बी सी डी. ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम. ट्रेपेजियम वो क्वाड्रिलेटरल होता है जिसमें वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल. ये क्वाड्रिलेटरल है, इसके कम से कम एक पेयर पैरेलल होना चाहिए और ये नॉन पैरेलल साइड्स है. ये अगर अपन ने प्रोड्यूस किए तो कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेंगे. सो ट्रेपेजियम ए बी सी डी विथ ए बी पैरेलल डी सी. डायगोनल ए सी एंड बी डी ऑफ ट्रेपेजियम और क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इंटरसेक्ट एट ओ. ए बी पैरेलल डी सी एंड using a similarity criteria for two triangles, show that OA upon OC is equal to OB upon OD. So, prove करना है diagram, then given, then to prove, then proof. So, इसमें criteria है triple A, double A, triple S और SAS. So, आपको कहीं ना कहीं parallel side से दिया है तो अपने इस पर से एंगल फाइंड होते हैं. जब भी टू लाइंस पैरेलल होती हैं और ट्रांसवर्सल होता है, अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल. तो आपको ये पैरेलल देने का मतलब ही यह है कि पहले आप उस कंसेप्ट्स को अप्लाई करो और एंगल्स को कॉन्ग्रुएंट फाइंड करो तो आपको कहीं ना कहीं क्राइटेरिया मिल जाएगा. जैसे इसमें ए बी पैरेलल डी सी, ये ए बी हैं, ये डी सी हैं, ये दोनों पैरेलल हैं, ये डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहे हैं. तो इन दो पैरेलल साइड को एक ट्रांसवर्सल बी डी इंटरसेक्ट करता है, ये ज्वाइन करता है इन दोनों पैरेलल को, और एक ए सी इनका ट्रांसवर्सल बनता है. तो पैरेलल लाइंस और ये जो ट्रांसवर्सल होता है तो इनके जो अल्टरनेट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं. ये कंसेप्ट आप नाइन्थ में पढ़ चुके हैं. सो यहाँ पर ये दोनों पैरेलल हैं, ए सी और बी डी ट्रांसवर्सल हैं. तो ये एंगल इस पैरेलल और ट्रांसवर्सल के बीच का, ये ट्रांसवर्सल इस पैरेलल के बीच के एंगल से इक्वल होगा. ये हो जाएंगे अल्टरनेट एंगल्स. लेट सपोज वन, लेट सपोज टू. उसके बाद में ये हुआ बी डी. जब ए सी को ट्रांसवर्सल कंसिडर करेंगे तो ये ट्रांसवर्सल, ये पैरेलल, ये एंगल, लेट सपोज थ्री एंड इट इज फोर. इस तरह से ओके. सो ओ ए पहले ये ट्रायंगल कंसीडर करना है और फिर ये करना है. नाउ प्रूफ. ए बी पैरेलल डी सी गिवन. बाकी ये क्या है, गिवन में आ चुका है. ए बी इज पैरेलल टू डी सी एंड ए सी एंड बी डी आर देयर ट्रांसवर्सल्स. इट इज गिवन. देन ये दो पैरेलल हो, एक बार ये ट्रांसवर्सल, एक बार ये ट्रांसवर्सल, देन वन इज इक्वल टू टू और टू इज इक्वल टू वन. एंड फोर इज इक्वल टू थ्री. पैरेलल, ट्रांसवर्सल, अल्टरनेट एंगल्स. इक्वेशंस दे सकते हैं. दीज आर अल्टरनेट
angles in this way. Now in triangle ये OA है, इस ट्रायंगल को पहले कंसिडर करें, इसको बाद में करें. इसलिए मैंने इसके एंगल पहले लिए हूँ, इसके एंगल बाद में लिए हूँ. इन ट्रायंगल OAB, इन ट्रायंगल OAB एंड ट्रायंगल OCD, OCD दो एंगल्स इक्वल हैं, इसके साथ ये, इसके साथ ए. अगर दो ट्रायंगल की दो एंगल भी इक्वल हो जाए तो ए एट ए से सिमिलर हो जाता है. ओ ए बी का एंगल एंगल टू इक्वल्स एंगल वन फ्रॉम वन ऑलरेडी प्रूव्ड है, एंड एंगल फोर इज इक्वल टू थ्री. This is from 1, from 2, हो गए. That's why triangle OAB is similar to triangle OCD by AA criteria for similarity. सिमिलर होने के बाद में ये जो होते हैं ये करस्पोंडिंग साइड्स का रेशो होता है. तो इसकी इस ट्रायंगल की ओ ए, इस ट्रायंगल की ओ सी, ओ ए के अपॉन में ओ सी इज इक्वल टू ओ बी के अपॉन में ओ डी, ओ बी के अपॉन में ओ डी. दीज आर corresponding sides of similar triangle, triangles are in proportion and it is proved and over. So जो given है इसका use करके alternate angles निकालने था, इसमें triple AB बनती है. अगर आप vertically opposite angles ले लें तो इसका इस angle से ये angle 5 से 6 हो जाएगा, ये इक्वल होता है. इसको ट्रिपल ए सी भी करता है, लेकिन जब दो एंगल से बनता है तो तीसरा एंगल निकालने की वैसे भी जरूरत नहीं है, वो अपने आप वैसे भी इक्वल दिख ही रहा है. सो इन दिस वे इसको करना था. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. Question 4. In the figure, OR upon QS, QR upon QS is equal to QT upon PR and angle 1 is equal to 2. It is given, show that to prove triangle PQS is similar to triangle TQR,
ये कौन से क्राइटेरिया से, कौन से क्राइटेरिया से सिमिलर है, आपको क्राइटेरिया कर रहा है। वैसे तो ये साइड एंगल साइड दिख रहा है, बट ये प्रॉपर है क्या, ये देखना है। इसके पहले एंगल वन कहाँ है और टू कहाँ है ये देखिए। एंगल है पी क्यू आर, ये है वन, और पी आर क्यू यह है एंगल टू। इस ट्रायंगल में पी क्यू आर में अगर टू एंगल्स इक्वल हैं तो अब एंगल साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, तो इनके अपोजिट के साइड्स भी इक्वल होंगी, यानी कि पी क्यू इज इक्वल टू पी आर हो जाएगा, पी आर इज इक्वल टू पी आर। सो प्रूफ, इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू, इट इज गिवन, दैट्स वाई पी क्यू इज इक्वल टू पी आर, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, सो पी आर इज इक्वल टू पी क्यू फर्स्ट साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स। उसके बाद में नेक्स्ट, अब इन लाइंस को ड्रॉ करें। ये ट्रायंगल बनेगा टी क्यू आर, ये जो टी क्यू आर है ये ट्रायंगल बनेगा इस तरह से, यह टी क्यू आर और ये हुआ पी क्यू एस। एक ट्रायंगल ये है और एक ट्रायंगल ये, और थोड़ी देर के लिए इस एंगल का वर्क हो चुका है। अगर इसको थोड़ी देर के लिए हटा दिया जाए तो ये ट्रायंगल ऐसे बनेंगे, राइट। नाउ सिमिलर ट्रायंगल बताना है, सिमिलर ट्रायंगल बताना है, करस्पोंडिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो, तो ये रेशियो तो इसने दे ही दिया है, क्यू आर क्यू आर के अपॉन में क्यू एस, तो ये तो ठीक है, इस पूरी साइड के अपॉन में ये इस ट्रायंगल की क्यू एस साइड, एंड क्यू टी इधर की होल साइड के अपॉन में ये जो पी आर दिया था, इस पी आर के जगह यदि आप पी क्यू लेते हैं, जो हम फाइंड कर चुके हैं, जो पी आर जो कन्फ्यूजन दिया था उस कन्फ्यूजन के जगह अगर इसके अपॉन में ये हैं तो इसके अपॉन में ये होना चाहिए, जबकि उसने पी आर दिया था तो इसके इक्वल ये हैं, वैल्यू पुट अप करके ये हो जाता है। और ये काफ़ी ईजी है ये समझाने के बाद में कि ये दो साइड्स हैं, उनके बीच का ये जो एंगल है ये इस ट्रायंगल के लिए भी हैं, इस ट्रायंगल के लिए भी हैं, सो कॉमन एंगल हैं, तो दो साइड्स और एक एंगल इंक्लूडेड, सो एस एस टेस से सिमिलर होते हैं। आई थिंक यू कैन राइट, सो रफ आइडिया दे देता हूँ मैं। उसके बाद में जो आप लिखेंगे क्यू आर के अपॉन में क्यू एस दे दिया, क्यू टी के अपॉन में पी आर दे दिया, ये गिवन हो गया, इसको रिप्लेस करें पी आर को पी क्यू से फ्रॉम वन, तो ये हो जाता है क्यू आर क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर की जगह पी क्यू लिखो, इसको इक्वेशन टू दे दो और ये फ्रॉम वन लिखो, ठीक है, और ये हो गया आपका इक्वेशन। नाउ इन ट्रायंगल एक ट्रायंगल ले जो आपको प्रूव करना है, एक ले पी क्यू एस एंड ट्रायंगल टी क्यू आर,
तो ये रेशियो तो यहाँ आ ही गया है, यानी दो साइड्स हो गए हैं। इसके बाद में एंगल, ये जो क्यू है, एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल क्यू विच इज कॉमन एंगल, विच इज कॉमन एंगल, दैट्स वाई साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से ये सिमिलर। सो अभी आपको ये प्रूव करना है, क्या स्टेप्स लिखने हैं, किस ट्रायंगल में लिखने हैं। ये रेशियो यहाँ लिखना है, ये हो गया। उसके बाद में ये ट्रायंगल को सिमिलर लिखना है, यहाँ पर उसका क्राइटेरिया लिखना है, एंड हो गया आपका सिमिलर प्रूव हो गया। इतना आपको करना है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। क्राइटेरिया का आपको समझा दिया गया है, क्राइटेरिया का होमवर्क भी था। सो अगर वो आपको राइटिंग आता है तो अभी मुझे ये जो क्वेश्चंस मैं समझा रहा हूँ इस पर से आप राइटिंग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एस एंड टी आर पॉइंट्स ऑन साइड्स पी आर एंड क्यू आर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर सच दैट पी इज इक्वल टू आर टी एस पी इज इक्वल टू आर टी एस। डायग्राम इज नॉट गिवन, ट्रायंगल पी क्यू आर ड्रॉन करूं, ट्रायंगल पी क्यू आर ये हुआ पी, ये हुआ क्यू, ये हुआ आर। एस एंड टी आर पॉइंट्स ऑन साइड्स पी आर एंड क्यू आर, ये पी आर है और ये क्यू आर है। तो यहां पर आपको पॉइंट्स लेना है, एक एस और एक टी, लेकिन इस तरह से कि पी इज इक्वल टू आर टी एस होना चाहिए। पी आर पर एस पॉइंट और क्यू आर पर टी पॉइंट, आर टी एस, लेकिन ये एंगल इज इक्वल टू आर टी एस, ये एंगल। उसके बाद आर टी एस शो दैट गिवन, जो क्वेश्चन में वो लिख ले, एंड शो दैट ट्रायंगल आर पी क्यू टू प्रूव में आर पी क्यू सिमिलर आर टी एस। ये तो काफी इजी दिख रहा है, क्योंकि गिवन में जो बोला है एंगल पी इक्वल एंगल आर टी एस, तो अगर आप होल ट्रायंगल को कंसिडर करें तो इसका एक एंगल तो गिवन है, तो एक एंगल हो गया है, यानी यहां एंगल की क्राइटेरिया लगेगी। और ये जो एंगल पी से टी ये इक्वल हो गया, लेकिन अगर आर को देखो तो आर पी क्यू बोलो या फिर आर टी एस बोलो, एंगल आर तो आ ही रहा है। सो ये हो जाएगा कॉमन एंगल, ये हो जाएगा कॉमन एंगल, दैट्स वाई ये ऐसे ये सिमिलर हो जाएगा ओवर। सो आपको सिर्फ इतना ही करना है इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल
RPQ and RTS पहले तो आप गिवन लिख लें, उसके बाद में एंगल R इज इक्वल टू एंगल R विच इज कॉमन एंड ये सिमिलर और क्राइटेरिया ए ए फिनिश फिनिश। तीन या चार स्टेप का गिवन टू प्रो आपको लिखना, ठीक है। सो इट इज योर होमवर्क। नाउ इट वॉज क्वेश्चन नंबर 5, इट वॉज क्वेश्चन नंबर 5। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, फिगर इज गिवन 6.37। सो इसमें कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स दिया है और दो कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स के 6 एलिमेंट्स इक्वल होते हैं, 3 एंगल्स इक्वल, 3 साइड्स इक्वल। तो जो गिवन दिया उसमें से हमको कुछ ना कुछ इक्वल एलिमेंट्स लेने पड़ेंगे और फिर उस पर से हमको सिमिलर प्रूव करना है। लेट्स से टाइम सो ओके स्टूडेंट्स, टुडेज टाइम इज ओवर। सो क्वेश्चन 6 हम बाद में पढ़ेंगे। सो आज कवर किया हमने 3, 4 एंड 5। सो ये आप होमवर्क में होमवर्क बना लेंगे। सो सी यू टुमारो, गुड डे, गुड बाय, थैंक यू।